मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां कंपू इलाके में रहने वाली एक 70 वर्षीय वृद्धा अपने घर में बिस्तर पर लेटे हुए जिंदा जल गई। बताया जा रहा था कि वृद्धा आराम कर रही थी, इसी दौरान घर के अंदर अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे बिजली के तारों में आग लग गई और पूरा कमरा आग की लपटों के हवाले हो गया। इस दौरान बीमार वृद्धा को करंट भी लगा और कुछ ही देर में पूरा घर आग की लपटों से खाक हो गया। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। कंपू थाना क्षेत्र में आमको क्षेत्र में वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला, लगभग उम्र उसकी 70 वर्ष के आसपास होगी, उस महिला की आग में झुलसने से अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पूर्व में जब मौके पर देखा गया तो कोई हीटर से करंट लगना और उसके बाद आग लगना पाया गया था, और ये हादसे में महिला बुरी तरह से झुलस गई थी और इलाज के दौरान लगभग 5-6 घंटे बाद घटना के उसकी घर में जब करंट लगा तब महिला अकेली ही थी और परिवार के और लोग उस समय घर में मौजूद नहीं थे हादसे के समय, लेकिन महिला का जो बिजली से करंट लगने से उसकी मौत हो गई। काफ़ी वृद्ध महिला थी, हो सकता है बीमार रही हो, लेकिन मौत जो हुई है वृद्धा की, वो करंट लगने से और झुलसने से हुई।